हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोमास कैफ़े। आज मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म क्रिस्पी पनीर पकौड़ी की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वैसे तो पनीर के पकौड़े बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, पर मैंने जिस तरीके से बनाया है, इस तरीके से कभी बना के देखिए, यकीन मानिए बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है। अब इसे हम काटेंगे। आप इसे कोई भी आकार दे सकते हो, लंबा छोटा। मैंने यहाँ पे इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पनीर को आप कोई भी आकार दो, लेकिन टुकड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये मैरिनेट करते समय टूट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पनीर को काट लिया है। अब इसे एक बाउल पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, साथ ही मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार काली मिर्च का पाउडर, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच मैदा। मैदा डालने से क्या होता है, पनीर की जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और मिक्स करके कुछ देर के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने पनीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसका बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए एक दूसरे बाउल में मैंने 6 चम्मच बेसन ले लिया है, 6 बड़े चम्मच बेसन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़े चम्मच चावल का पाउडर। चावल का पाउडर डालने से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी, साथ ही मैं डाल रही हूँ अजवाइन आधा चम्मच, और इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को सूखे में ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक चम्मच की मदद से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़े थोड़े पानी डालकर बैटर को तैयार करना है। हमें ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि किस कंसिस्टेंसी में आपको रखना है। यहाँ पे देखिए, इस कंसिस्टेंसी में आपको बैटर को बनाना है। अब मैं इस बैटर में डाल देती हूँ मैरिनेट किए हुए पनीरों को। सारे पनीरों को इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से कोटिंग करेंगे, बैटर पर अच्छे से डिप करेंगे। सारे पनीर अच्छे से कोटिंग हो गया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है और इसे फ्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। फ्लेम हमें मीडियम टू हाई चाहिए। पकौड़े हमेशा हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना चाहिए। लो फ्लेम पर अगर फ्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए चारों तरफ से पलट पलट कर पकौड़ों को अच्छे से तल लिया है। पनीर के पकौड़ों को इसी तरह से हल्का सा एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इन्हें तेल से निकाल लूँगी। इसी तरह से सारी पनीरों को मैंने तेल से निकाल लिया है। बाकी बचे पनीरों को भी इसी तेल में फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमें मीडियम टू हाई ही चाहिए। बाकी पनीरों को भी मैंने डाल दिया है और ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई। इसे भी मैंने निकाल लिया है। अब हम सर्व करने से पहले इसमें डालेंगे चाट मसाला, ताकि ये थोड़ा चटपटा बन जाए। तो आज का रेसिपी दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू।